हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेड डिजाइंस। आज मैं आपको दिखाऊंगी किसी भी नेक पे आप गोटा पत्ती वाली पाइपिंग को कैसे स्टिच कर सकते हो, वो भी गुम। तो अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं अपने डिजाइन की अच्छी अच्छी पिक्स डालती रहती हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने ये राउंड नेक कट किया है, आप कोई भी नेक कट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने राउंड नेक कट करके ऐसे फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया है, स्टिच कर लिया है यानी कि। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये मैंने कितना चौड़ा और कितना लंबा लिया है। तो इस तरीके से मैंने लगभग 8 इंच चौड़ा मेरा ये नेक है, तो ऐसे सीधे में लगभग 5.5 इंच लंबा लिया है। तो चलिए अब मैं इसके ऊपर गोटा पत्ती को स्टिच करूंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इधर से अपनी बुकरम के बिल्कुल साथ साथ किनारी की सिलाई लगा लेनी है। ये ध्यान में रखें, आपकी सिलाई जो है वो बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए। वो सिलाई हम इसलिए लगाएंगे ताकि हमें इधर से हमने गोटा पत्ती को स्टिच करना है, हमने उसी सिलाई के ऊपर ही अपनी सिलाई चलानी है। तो आप अगर चाहो तो नीचे डिफरेंट कलर का थ्रेड यूज कर सकते हो ताकि आपको इधर दिखाई दे। मैं भी डिफरेंट कलर का कर रही हूँ, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ सिलाई लगा के। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने डिफरेंट कलर का थ्रेड यहाँ पे यूज किया है ताकि हमें यहाँ इधर से दिखाई दे, क्योंकि हमने जो गोटा पत्ती स्टिच करनी है इसी सिलाई के साथ साथ करनी है। तो ये मेरे पास गोटा पत्ती वाली लेस है, हमने ये वाली किनारी बाहर की तरफ दिखानी है और वो भी गुम। तो वो हम इस तरीके से दिखाएंगे, जो किनारी आपने दिखानी है वो इधर बुकरम वाली साइड की तरफ रखें और जो नहीं हमने, इधर तो हमारी कटी जानी है, इधर वाली दिखेगी हमारी। तो इस तरीके से एक किनारी को मैं बिल्कुल ऐसे, और ये भी ध्यान में रखें गोटा पत्ती को आपने बिल्कुल सीधा रखना है, इस तरीके से उल्टा करके नहीं रखना है, ऐसे बिल्कुल सीधा रखना है, तभी आपकी गोटा पत्ती सीधी आएगी। तो ऐसे आप अपनी गोटा पत्ती को उसी सिलाई के ऊपर ही स्टिच कीजिए। ये देखिए जैसे मैं भी उसी तरीके से कर रही हूँ, और धीरे धीरे फिनिशिंग के साथ इसको स्टिच कीजिए। बिल्कुल भी आपकी गोटा पत्ती इधर उधर नहीं होनी चाहिए, तभी फिनिशिंग आएगी पलटने के बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे मैंने अपनी वही वाली सिलाई के ऊपर ही अपनी गोटा पत्ती को स्टिच कर लिया है। आप भी इसी तरीके से कीजिए, ऐसे फिनिशिंग ज्यादा आती है और गुम भी हो जाती है हमारी जो पाइपिंग है। तो ये मेरी कुर्ती है, अब मैं इसके ऊपर अपने नेक को रख के स्टिच करूंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मैंने कुर्ती की सीधी साइड ली है क्योंकि हमने उल्टी साइड को पलटना है नेक। तो इस तरीके से मैं नेक को ऊपर रखूंगी, सबसे पहले मैं लगाऊंगी रफ स्टिच, उसके बाद मैं बिल्कुल किनारी की सिलाई के साथ इसको स्टिच कर दूंगी। तो ऐसे हम पहले रफ स्टिच कर लेंगे बिल्कुल सेंटर को, सेंटर से मिलाते हुए। अब मैं बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगा रही हूँ, ठीक उसी सिलाई के ऊपर जो मैंने गोटा पत्ती को स्टिच करते हुए लगाई है, जो डिफरेंट कलर का थ्रेड मैंने आपको दिखाया था उसी सिलाई के ऊपर ही ये मेरी सिलाई लग रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसे मैंने यहाँ पे किनारी की सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्रिम कर दूंगी। तो ऐसे ही हमने एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को बीच में से ट्रिम कर देना है। तो ऐसे मैंने बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लूंगी, हम बीच में छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि जब हम अपना नेक पलटें तो उसमें अच्छी फिनिशिंग आए। तो ऐसे मेरे कट लग चुके हैं, अब मैं इसको पलटूंगी। इस तरीके से हमने इसको अंदर की तरफ पलटना है और अपनी गोटा पत्ती को बाहर निकालना है ऐसे। तो ऐसे पलटने से हमारी गोटा पत्ती देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारे नेक के ऊपर, और पीछे से भी घूम आई है। तो ये देखिए पलटने के बाद हमारा ये नेक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम यहाँ पे इसके किनारे पे सिलाई लगा देंगे और उसके बाद पीछे से हेमिंग करवा देंगे। अब जब ये किनारे की सिलाई लगाएं तो फैब्रिक को इस तरीके से खींच के लगाएं और गोटा पत्ती को बाहर रखते हुए। तो ये देखिए किनारी की सिलाई के साथ इसमें और भी ज्यादा फिनिशिंग आ गई है। अब मैं पीछे से भी आपको दिखा देती हूँ।
तो आप देख सकते हैं पीछे से भी हमारी जो गोटा पत्ती है वो बिल्कुल गुम हो गई है, पीछे से बाहर की तरफ दिखाई नहीं दे रही है। और अब हम यहाँ पे हेमिंग करवा देंगे तो हमारी ये कितना ब्यूटीफुल नेक ऐसे रेडी हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरी ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।